फारबिसगंज में सरकार के अपर सचिव के आदेश के आलोक में सोमवार को नगर परिषद के सभागार में एक बैठक मुख्य पार्षद बीना देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य पार्षद के अलावा उप मुख्य पार्षद नूतन भारती समेत कई पार्षदों ने शिरकत की, जबकि कई वार्ड पार्षद इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। बैठक हंगामेदार रही। अस्थायी समिति के सदस्य मोहम्मद इस्लाम ने शहर में जल जमाव को लेकर अब तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा मांगा। उन्होंने भरी सभा में कहा कि जो भी खर्च सफाई के मद में हुआ है उसे अभी तक सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो तुरंत इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। हालांकि बैठक में मौजूद नगर परिषद के नाजीर आर्यन राय ने तुरंत लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन उनके जवाब से इस्लाम संतुष्ट नहीं दिखे और बैठक से निकलने की धमकी देते रहे। एडिशनल सेक्रेटरी सर की डायरेक्शन के आलोक में आज एक मीटिंग रखी गई थी। इसमें मुख्य एजेंडा था शहर में जल जमाव की समस्या और जल निकासी की समस्या। जल निकासी पर ज़्यादा फोकस रखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इसमें माननीय मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। इसमें पॉइंट्स रखे गए जो हमने साफ़ सफाई नगर निकाय से की गई थी उसके बारे में डिस्कशन हुआ, उसमें जो छूट गई थी उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ, और जितने भी वार्ड पार्षद हैं अपने ग्रेवांसेज रखें और अपने वार्ड के में जल निकासी की जो भी इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड पॉइंट्स रखें। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों की संयुक्त टीम ने पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने के हत्या के वांछित अपराधी रणधीर राय को उसके दो अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन और 9 कारतूस भी जब्त किए गए हैं। डीएसपी कोतवाली ने बताया कि रणधीर राय के खिलाफ पटना में विभिन्न स्थानों में 8 संगीन मामले दर्ज हैं। बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत कल देर रात्रि 23-24 जून को एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसमें कि पुलिस को सूचना स्पष्ट थी कि रणधीर राय, जो कि हाल फिलहाल के हत्या जो कि 10 अप्रैल को हुई थी, उसके नामजद एक्यूज हैं, वो घर में आए हैं कुछ लोगों के साथ में और हथियार के साथ उन्होंने इकट्ठा हुआ है। उसके बाद डिटेल इन्होंने रेकी किया था। रेकी करने के बाद यह चीज़ें स्पष्ट हुई थी कि वह चूँकि पिस्टल को कॉक किया रखता है और कॉक करके कभी भी फायरिंग कर सकता है अपने आप को बचने के लिए, तो उन्होंने एसटीएफ का भी मदद लिया है थाना ने, और एसटीएफ को मदद लेकर के उनकी गिरफ्तारी की गई है। कुल जो गिरफ्तारी की गई है वहां पर से उनके घर से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के क्रम में कुल 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक रणधीर राय है, दूसरा साहिल कुमार है, तीसरा विकास कुमार। इनके पास से कुल 3 लोडेड पिस्टल, 2 लोडेड पिस्टल, उसके साथ 9 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 4 मोबाइल फोन एवं अन्य सामान कुछ हैं जिसके साथ इनकी गिरफ्तारी हो पाई। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉरपोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।